गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 में अध्याय 6 शीर्षक बोल अनमोल पाठ पढ़ेंगे। पाठ का परिचय है, किसी अनजान जरूरतमंदों की मदद करें या ना करें, हमें मदद मांगने के तरीके पर ही निर्भर करता है। उसकी बोली से हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति भला है या चालाक है। तो आइए, यह पाठ एक कहानी द्वारा समझाई गई है। शशांक एक दुकानदार था। वह एक छोटे से गांव में किराए की दुकान चलाता था और उसके आसपास एक भी दुकान नहीं थी। इस कारण शशांक की आमदनी अर्थात आय बहुत अच्छी होती थी। दुकान में सामान भी जल्दी ही खत्म हो जाते थे, जिसके कारण शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। अर्थात शशांक एक दुकानदार था। और वह एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी आमदनी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि उसके आसपास एक भी गांव नहीं थे। अकेले एक वह दुकान था। उसका दुकान का सामान बहुत ही जल्द खत्म हो जाता था, इसलिए उसे शहर बार बार जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, बहुत जोरों से सर्दी शुरू हो चुकी थी। ठंड का मौसम था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उसे सामान लाने के लिए शशांक को शहर जाना पड़ा। वह यही सोच के शहर गया कि वह जल्दी से सामान भर देगा और वापस अपने घर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह सामान लेकर लौट रहा था, लेकिन देरी हो गई। उसके हाथों में ज्यादा सामान था, इसीलिए वह जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहा था। वह धीमी से चल रहा था। धीमी का अर्थ है धीरे धीरे। अब चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी थी, अर्थात सामान दोनों साइड में सामान था, सामान का थैली था। वह चल नहीं पा रहा था। अब वह बहुत ही थक गया था। ठंड और हवा, अंधेरी रात के कारण अब उसका मन घबरा रहा था। अब वह किसी जगह ठहरने की वह सोच रहा था और उसने इधर उधर नजर दबाई। नजर इधर उधर देखने लगा कि कहीं उसको जगह मिल जाए। तब उसने बहुत दूर में देखा कि एक झोपड़ी में रोशनी आ रही है और उसने उस झोपड़ी की ओर चला गया। झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि झोपड़ी के बाहर अलाव जल रहा है। अलाव का अर्थ है तापने के लिए जलाई हुई आग। तो झोपड़ी के बाहर आग, पूरा लकड़ी का ढेर था और आग जल रहा था। शशांक को लगा और उस झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा व्यक्ति, रहता था। अब शशांक को लगा कि अलाव के पास उसे जाकर शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। अलाव अर्थात जहां आग जल रही थी। शशांक अब सोचने लगा कि जो शरीर ठंडा हो चुका था उसको उसे गर्मी देनी चाहिए और उसने, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ठंड से हाथ पांव अकड़ सकते थे। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा कि मैं इस इलाके का एक लौटा दुकानदार हूं। अर्थात अपनी ऊंची आवाज से शशांक ने कहा कि मैं इस इलाके का एक लौटा ईमानदार दुकानदार हूं। मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दीजिए। अपना रोग दिखाने लगा दुकानदार। आग तापते रहे। उस वृद्ध ने शशांक की बात को अनसुनी कर दी। अनसुनी कर देना अर्थात ध्यान नहीं देना। तो जो वृद्ध आग ताप रहा था वह शशांक की बात को अनसुनी कर दिया, ध्यान नहीं दिया। उसने शशांक को ना बैठने के लिए कहा और ना ही जाने के लिए।
कहा हुआ चुपचाप रहा। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंडे में घर जाना पड़ेगा, इसीलिए वह कुछ दूर आगे गया। फिर आगे जाने के बाद अब वह सोचा कि वापस लौटकर मुझे विनीत स्वर में उस बूढ़े से बात करना चाहिए, और उसे ठंड से वह बहुत जोर से कांप रहा था। शायद मेरी ठंड देख करके उस वृद्ध पर दया आ जाए। और उसने फिर उस वृद्ध के पास गया और कहा कि मुझ पर दया करें और मुझे आग के पास बैठने के लिए दें, ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। शशांक के इस बोली को सुनकर वृद्ध सुन लिया और कहा, ठीक है, आप आग के पास बैठ जाइए। क्योंकि उसने विनीत भाव से वृद्ध को उसने कहा कि मुझे आग के पास बैठने दीजिए। उसके बाद उसने आग के पास बैठने की अनुमति दे दी। फिर बड़े प्यार से उसने शशांक को चाय बनाकर बूढ़े ने पिलाया। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध से ऊंची आवाज में बात की थी। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा कि बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब हम कोई गलती काम करते हैं तो हम क्षमा मांगते हैं, तो उस दुकानदार ने भी उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा मांगी। उसने कहा कि मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक तरह से बात नहीं की थी, शायद इसलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने शशांक को सीख देते हुए कहा कि मेरी एक बात याद रखना, हमेशा दूसरों के साथ मीठी वाणी बोलना है, ताकि सुनने वाले पर यह बात कैसा असर करेगा इस पर तुम जरूर विचार करना। उसके बाद उस शशांक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोचता है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। धन्यवाद।